नमस्कार, मैं राजवी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज हम फिर लौट आए हैं एक और क्विक रेसिपी के एपिसोड के साथ में, और इन छुट्टियों में आपको बता रहे हैं कि आप घर बैठे कैसे अलग अलग स्वादिष्ट रेसिपीज अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। आज भी हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना राजपूत जी। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ वंदना राजपूत जी का हमारे शो में। हेलो। अब आज हम जानते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। आज मैं मैक्रोनी बार्स बता रही हूँ। अच्छा, ये भी इजी क्विक। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं और एक एक करके हम इंग्रेडिएंट्स, पहले आप बता दीजिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ये बॉइल्ड मैक्रोनी है जी। ये ब्रेड को स्लाइस करके रोस्ट करके लिया है। बटर है, चीज है, मिल्क है, मैदा है, ये गार्लिक सीजनिंग है, सॉल्ट है, पेपर है, ओरिगानो चिली फ्लेक्स। ओके, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें व्हाइट सॉस बनाना है। सबसे पहले एक टेबल स्पून बटर, फिर एक चम्मच मैदा, ये भी इतना ही, एक टेबल स्पून जितना। ये कच्चा नहीं रहना, थोड़ी देरी करना है। हाँ, थोड़ी देर तो हो ही जाएगा। ओके, तो इसके अंदर दूध, आधा कप जितना दूध। हाँ, ये गाढ़ी पेस्ट हो जाएगी। गार्लिक सीजनिंग है, इसके लिए हमने गार्लिक नहीं डाला। अगर चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते, कर सकते। उसे भून लेना है। हाँ, पेस्ट पर। हाँ, हाँ, हल्का सा, हल्का सा। ये ब्लैक पेपर है, ओरेगानो है, इसको हमें थोड़ा हाथ से क्रश करना है। इसके चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा चीज, छोटे बड़ों सबको पसंद आ जाए। सबको बहुत पसंद आ जाए, बहुत डिलीशियस। थोड़ा पास्ता, दो टेबल स्पून जितना, दो से तीन टेबल स्पून। इसको हम ब्रेड पे अप्लाई करेंगे। इस ब्रेड को भी हमें रोस्ट करना है। हाँ, एक एक साइड से मैंने रोस्ट कर दिया है। ओके, अब इस पे टॉपिंग करेंगे और फिर ऐसे रख के। अच्छा, फ्राई में टॉपिंग कर देंगे तो ऐसे का है, तो इसके ऊपर करेंगे। फिर यहाँ से बार्स नाम दिया है इसके लिए मैंने। ये
ये रेडी है? ये रेडी है। अभी चीज डाल के ये सब बहुत डाल के अब इसके ऊपर हम चीज बार थोड़ा चीज मिनट हो गई। इसे हमें कितनी देर रखना है? बस दो मिनट में हो जाएगी। दो मिनट अभी चीज मिनट हो गए। इसे हमने तकरीबन 5 मिनट तक रखा है, तो आप जब भी बनाएं ये ध्यान रखें कि आपको 5 मिनट इसे होने देना है। अब इसके बाद में हम सर्व करना शुरू कर रहे हैं। आप देखिए कितना जल्दी ये रेसिपी बन गया है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे आराम से अपने घर पर बनाइए, अपने गेस्ट्स को खुश कीजिए। और अब मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज हमने बनाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी, सिर्फ फेस्टिवल सीजन में इसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो आप बाहर जाते हैं, खर्चा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये खर्चा करने की जरूरत है। इस फेस्टिव सीजन, इन त्योहारों के दिनों भी आप ये रेसिपी बनाइए और साथ साथ जब भी मन करे कुछ खाने का, चटपटा खाने का, तो आप इन रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप भी बनाइए ये सारे रेसिपीज। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस फ्यूचर में चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ जब आप ये रेसिपी घर पे बनाते हैं तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी और साथ साथ जिन्हें आपने ये रेसिपीज खिलाई है उन्हें ये कैसी लगी है, ये हमें जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज दिवाली है और मेरा दिल कहता है कि खुशियाँ आपके आंगन में और जीवन में आने वाली हैं। दिवाली के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब?
बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC Fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature Fans, आपके काम की बात। Every New Year, we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. V&M Garba Queen Prince Contest 2024 sponsored by Deepak Nitrite Limited, co-sponsored by Rama Group, Narayan Jewelers, a legacy of Ambalal Chaturbhuj Choksi, Jetalpur Road, Bankers Group of Hospitals, Atmiya Group, Gandevikar Jewelers Private Limited, Chikuwadi, supported by RR Kabel or Bank of India. Prizes sponsored by Mana Hotels and Resort, Board Wizard Joy E-Bike, RR Kabel, Sales Corner Makarpura, Arbuda Jewelers Subhanpura और Globe Detective Agency Vadodara. मारी बात, ओ, मारे गिरों में लगी जाओ
झगड़ो मिल वाली जौन बाटे कानो जुवे छे मारी बात हो मारा वालम नू नवरो नजरानू नजरानू मारू झांझर
माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107-8880। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। नारायण ज्वेलर्स, अ लेगेसी ऑफ अंबालाल चतुर्भुज चौकसी। फेमिना मिस इंडिया 2024 के क्राउन डिजाइनर नारायण ज्वेलर्स। गोल्ड की खूबसूरत डिजाइनर ज्वेलरी हो या हीरे की ज्वेलरी में यूनिक डिजाइन की हो तलाश, तो है नारायण ज्वेलर्स। दादी नानी माँ पत्नी बेटी बहू घर की लक्ष्मी को इस दिवाली तोहफा दे नारायण ज्वेलर्स की ज्वेलरी। अपनों में बांटे खुशियाँ नारायण ज्वेलर्स के साथ। मस्ट विजिट नारायण ज्वेलर्स, 3 सन प्लाजा, जेतलपुर रोड, रजवाड़ी सोसाइटी, विश्वास कॉलोनी, पटोदरा। Come on.
ताणु हो क्षण घट सो
घट सोन मारा राज मोने मन घट जबाना को देसाई चेयरपर्सन एनपीएसएस। हम स्वागत करते हैं भिखा भाई रबारी जी का, एक्स मिनिस्टर इंडस्ट्रीज माइंस एंड एनर्जी। साथ ही हम स्वागत करते हैं मिस्टर संजय उपाध्याय दीपक नाइट्रेट के सीएफओ का। हम स्वागत करते हैं माँ शक्ति गरबा आयोजक जयेश ठक्कर और आरती ठक्कर का। हमारे सभी उपस्थित मेहमानों का स्वागत है। सेल्स कॉर्नर 1986 से वडोदरा का नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस शोरूम, मकरपुरा कोठी चार रस्ता और ओपी रोड। सेल्स कॉर्नर में आपके घर और किचन को स्मार्ट और अपडेटेड बनाने सभी लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध। मकरपुरा और ओपी रोड के शोरूम में इंटरनेशनल ब्रांड डायसन के होम अप्लायंसेस भी अवेलेबल। मोबाइल खरीदना हो तो भी सेल्स कॉर्नर के पास है बेहतरीन चॉइसेस। आफ्टर सेल सर्विसेज और डेमोंस्ट्रेशन में सेल्स कॉर्नर है सबसे अव्वल। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस के लिए सेल्स कॉर्नर के नियरेस्ट आउटलेट की आज ही विजिट करें। सेल्स कॉर्नर रमा एम्पोरिया नियर कबीर कॉम्प्लेक्स मकरपुरा रोड वडोदरा। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड चीकुवाड़ी। गणदेवीकर ज्वेलर्स यानी कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स में 90 साल पुरानी परंपरा। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और प्लेटिनम ज्वेलरी की सबसे बड़ी रेंज। चैन, अंगूठी, नेकलेस, कंगन और सभी ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव डिजाइंस। यहां शॉपिंग कर आप बन जाते हैं गणदेवीकर परिवार। गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर रोड ऑपोजिट एंजॉय रेस्टोरेंट, चीकुवाड़ी, अलकापुरी, वडोदरा।
कर घूमता ने चार कर घूमता ने चार कर घूमता ने ले ले पिचकारी ओड़ी नो बुला ले रचायो सर रर रंग झूठे लाड़ी के रोड़ा रूठे और मांग समायो चार कर घूमता ने ले ले पिचकारी ओड़ी नो बुला ले रचायो सर रर रंग झूठे लाड़ी के रोड़ा रूठे और मांग समायो जोड़े रे जोरा तम किया ते गामना ओ तम किया ते गामना ओ हो तम किया ते गामना गोरी मारी संग जोड़े रे जोरा तम किया ते गामना गोरी मारी संग जोड़े रे जोरा जोड़े रे जोराज जोड़े रे जोराज तमे किया ते गामना ओहो तमे किया ते गामना गोरी मारी संग जोड़े रे जोराज तमे किया ते गामना गोरी मारी संग जोड़े रे जोराज VNM Garba Queen Prince Contest 2024 sponsored by Deepak Nitrite Limited co-sponsored by Rama Group Narayan Jewelers a legacy of Ambalal Chaturbhuj Choksi Jetalpur Road Bankers Group of Hospitals Atmiya Group Gandevikar Jewelers Private Limited Chikuwadi supported by RR Kabel or Bank of India Prizes sponsored by Mana Hotels and Resort, Ward Wizard Joy E-Bike, RR Kabel, Sales Corner Makarpura, Arbuda Jewelers Subhanpura, and Globe Detective Agency Vadodara. એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ વિઝિટ હિમાંશુ સેલ્સ હાઉસ ઓફ એસી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ હોમ અપ્લાયન્સીસ વડોદરા સુરત હાલોલ અને લુણાવાડા ઓર કોલ 9825311157
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments, या तुम नंबर से grand living room with an amazing view, साथ एक comfortable dining area. A perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehla bedroom with an amazing balcony view. Saathe the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best vada apartments ni ese ka ya tumne mara se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. चलो आज कुछ इस तरह से दिवाली मनाते हैं, पटाखों के साथ बुराइयों को जलाते हैं, आंगन में एक का दिया और दिलों में उम्मीद का दिया जलाते हैं। चलो आज कुछ इस तरह से दिवाली मनाते हैं। VNM परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली जो कि रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति में दिवाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दिवाली केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियों का साझा कर सकते हैं। दिवाली का ये महापर्व संस्कृति, भावनाओं और परंपराओं से भरा हुआ है। दिवाली की जो जड़ें हैं वो बेहद गहरी है। हम सदियों से दिवाली का ये महापर्व मना रहे हैं और इसके पीछे कई ऐसी कहानियां हैं, रीति रिवाज हैं और मान्यताएं हैं जो इस त्यौहार को अद्वितीय बनाता है। लेकिन समय के साथ शायद हम इस त्यौहार की अहमियत को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में बंधनों को मजबूत करने का माध्यम हुआ करता था। दिवाली की तैयारियां एक उत्सव का रूप ले लेती थी जिसमें घर की साफ सफाई से लेकर महालक्ष्मी जी की पूजा और दिया जलाना, ये सब कुछ लोगों को इतना अद्भुत लगता था। लोग इतना प्यार से एक साथ परिवार वालों के साथ मिलकर मनाया करते थे। लेकिन अभी आज के जमाने में मिठाइयों की जो खुशबू है वो हर तरफ बिखरी हुआ करती थी। परिवार वाले सब साथ में मिलकर चकली और नमकीन जैसे दिवाली के नाश्ता बनाया करते थे। रंगोली जो कि शुभता का प्रतीक है, घर की औरतें इसे साथ में मिलकर बेहद उल्लास के साथ मनाया करते थे। लेकिन अब
बदलते समय के साथ मॉडर्न युग में ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मिटती जा रही है। आजकल के ज़माने में सब कुछ रेडीमेड चाहिए लोगों को। अगर दिवाली का नाश्ता चाहिए तो वो एक दिन पहले ही दुकानों पर जाकर रेडीमेड खरीद के ले आएंगे। दिवाली की सजावट के सामान जो पहले लोग अपने हाथों से बनाते थे, हाथों से जो कंदिल है वो डिज़ाइन करते थे, अभी जो सारी चीज़ें हैं लोग दुकान से खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि रंगोली भी अब रेडीमेड मिलने लगा है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उन्हें परिवार वालों के साथ दिए जलाने से ज्यादा इंटरेस्ट दोस्तों के साथ हाउस पार्टी करने में आता है। आजकल सबको मॉडर्न तरीके से त्यौहार बनाना है, भले परिवार के साथ बैठ के वक्त बिताने का समय नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अलग अलग पोजेस में सेल्फी डालने का वक्त हमें ज़रूर मिल जाता है। तो ये सब आखिरकार क्यों हो रहा है? क्या हम ये मॉडर्न युग में अपनी संस्कृति की धरोहर को कहीं ना कहीं मिटाते जा रहे हैं? तो आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम इस मॉडर्न युग में अपनी जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं? पहले के ज़माने में जब ये त्यौहार सबके साथ मिलकर बनाना एक बहुत ही उल्लास की बात होती थी, बहुत ही खुशी की बात होती थी, अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं। अब सबको अपने दोस्तों के साथ मनाना है, सबको अपने तरीके से त्यौहार को मनाना है, जो कि बेहद गलत है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो हमें अपने परिवार वालों के साथ मनाना चाहिए। तो आइए इस दिवाली अपने परिवार के साथ हम दिवाली मनाएं। जमाने में और अभी के मॉडर्न युग में दिवाली की मान्यताएं किस रूप में बदली है, इस बात को हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज हम आपको लेकर आ चुके हैं जामा विस्तार के गोकुल सोसाइटी में। हम कई परिवारों से बात करके जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हम आपको ठाकुर परिवार से मिलाएंगे जहाँ पर तीन पीढ़ियां मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि इन तीन पीढ़ियों के बीच में जो इनका थिंकिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, चलिए हम जानते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ठाकुर परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। तो चलिए आज इनसे इनके विचार जानते हैं दिवाली के इस महापर्व के बारे में। आपके विचार में जिस तरह से पहले दिवाली का जो त्यौहार था उसे सेलिब्रेट किया जाता था और आजकल के जो मॉडर्न युग में जिस तरह से दिवाली को मनाया जाता है उसमें कुछ बदलाव नजर आता है आपको? जी, बदलाव तो नजर आ ही रहा है। पहले की जो पीढ़ी थी उसके हिसाब से आज की पीढ़ी को ये सब चीजें पसंद नहीं आती है। उन लोगों को घूमना फिरना इधर वेकेशन मतलब यही है उनका कि पार्टी वगैरह करना। घर में जो चीजें बनाई जाती है वो थोड़ा सा खा के उन लोगों को फास्ट फूड की तरफ ज्यादा उनके विचार रहते हैं, इसलिए वो खाना ज्यादा पसंद करते हैं। रात को हमारे यहाँ पर दीप तो जलाने के बाद सब घर में रहा करते थे, ये लोग दीपक जलाने के बाद में सब बाहर घूमने चले जाते हैं। फ्रेंड सर्कल पूरा मिलता है, फ्रेंड सर्कल के पास साथ में उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। और पहले हम लोगों की जो एक प्रथा थी कि सारे परिवार के लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, हर्षोल्लास वाला ये जो त्यौहार था वो घर में रह के मनाया जाता था। स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाती थी। लक्ष्मी पूजन के बाद में लक्ष्मी का रूप जो माना जाता था वो घर में ही रहा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है उन लोगों में ये भावना थोड़ी कम देखने को मिलती है। वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि हम लक्ष्मी पूजन किया उसके बाद भी वो लोग आराम से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, तो ये अंतर तो दिखाई दे ही रहा है आज की और पुरानी पीढ़ी में। और मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि सब लोग मिलकर घर की साफ़ सफाई किया करते थे, घर के लिए दिवाली के समय जो सजावट का काम होता था वो खुद सब लोग मिलकर करते थे, और अभी के इस युग में कैसी चीज़ें देखने को मिलती है? अभी इस युग में ये है कि घर के जो बड़े हैं वो करते हैं, बाकी वर्किंग वुमेन जो रहती है तो उन लोगों को जाना ज़रूरी रहता है। लास्ट में उन लोगों को छुट्टी मिलती है, कुछ लोग तो लास्ट तक भी काम करते रहते हैं, तो जो मिलकर सफाई करना है वो नहीं, बाहर से किसी को सफाई के लिए बुलवा दिया जाता है। पहले के इसमें यह था कि सब मिलके साफ सफाई करते थे, खाना पीना सबका साथ में होता था, ये अंतर तो देखने को मिल ही रहा है। जितना समय बचता है रेडीमेड चीजें ज्यादा आने लग गई है। पहले जो मिलके बनाया जाता था वो आजकल कम देखने को मिल रहा है, सब कुछ रेडीमेड मिलता है इसलिए उसी को लेकर आ जाते हैं। आपने अपने घर पे कुछ बनाया है दिवाली के महापर्व जो त्योहार है उसके लिए कुछ आपने बनाया है नाश्ते में? बस आज ही तैयारी शुरू की है, कुछ ये बना के रखा हुआ है, जो हमारे घर के बुजुर्ग थे उन लोगों ने ये बनाया है, कोशिश की है। अभी हम लोगों को छुट्टी मिली है
तो अब हम शुरू करने वाले हैं कुछ उनका साथ देकर। तो आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या जो अभी की जो पीढ़ी है उनके लिए कि दिवाली जो एक त्यौहार है उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारी जो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वो कहीं ना कहीं अभी मिटती जा रही है, तो उसके ऊपर कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो हमारे लिए अयोध्या सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि फिर से भारतीय संस्कृति को जोड़ने के लिए जो ये रामलला की स्थापना करके मंदिर का किया है, तो वापस हमारे हिंदुत्व को जागरूकता मिली है और वो वापस सब एक साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए अब जानते हैं हमारी जो यंग जनरेशन है उनके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर। आप दिवाली किस तरह से मनाना प्रेफर करती हैं, बाहर जाके दोस्तों के साथ या घर पे परिवार के साथ? फ्रेंड्स बोलते हैं पार्टी के लिए, पर हम सब साथ में एक दिवाली मनाते हैं फैमिली के साथ, ऐसे सब मिलके पटाखे जलाते और वो सब। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको इनवाइट करते हैं क्या? मतलब आजकल हाउस पार्टी का बहुत ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें, ये जो यंग जनरेशन है वो तो साथ में मिलकर दोस्तों के साथ मिलकर गाने बजाने और ये सब का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, तो क्या आपके दोस्तों में भी ये चीज़ों की चर्चा है? हाँ है चर्चा, सब पार्टी बोल रहे हैं, क्लब बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पर यार दिवाली सब साथ में फैमिली साथ हम दिवाली ऐसे मनाते हैं फैमिली के साथ। ये लड़के सभी बाहर घूमने जाते हैं, हम परिवार साथ में रहते हैं। ये लड़का यंग लड़का है, वो सभी बाहर जाते हैं, उसको ये चीज़ बनाते हैं, उसको खाते नहीं, हम तो सब खा लेते हैं मिलकर। चल रहे हैं इसी सोसाइटी के दूसरे परिवार से मिलवाने और जानते हैं उनके क्या विचार हैं। इस वक्त हम जुड़े हैं सिंह परिवार के साथ और आइए इनसे जानते हैं कि वो किस तरह से दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं। आप जब छोटे थे तब कैसे दिवाली मनाई जाती थी और अभी का जो समय है इस समय कैसी दिवाली मनाई जाती है? हम लोग तो बहुत पहले तो बचपन में हम लोग दिवाली एक चुक्का माँ लोग कुहार घर से लाती थी, उसको सब लोग अच्छा से पूजा एक जगह रख के हम लोग करते थे और दीपावली को बहुत सफाई सुथरा से करके लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा भी करते थे मनाते थे। इसके बाद तो अब जैसे जैसे ज़माना बदला उस ज़माने के अनुसार हम लोग को भी बदलना पड़ा। तो अभी क्या क्या बदलाव आप देखते हैं? अभी तो बदलाव एक से एक नया नया सिस्टम चल गया, नया नया हो गया कि एक मंदिर बनाओ, उसके लिए दीपावली घर बनाओ, बच्चा लोग एक से एक अपना बनाते हैं और दीपावली के अवसर पर हम लोग बहुत सारे मिठाइयाँ भी लाते हैं और घर घर में सब पूजा करके और एक घर दूसरे घर से हम लोग अपना बांट करके खाना मिठाई को अपना देते हैं, इधर से उधर बांट के खान करते हैं, एक दूसरे के दोस्त यार सबको ही बुलाते हैं, आज हैप्पी दिवाली है आप लोग मेरे घर आइए। पहले हम लोग हैप्पी दिवाली नहीं बोलते थे, अभी तो जनरेशन बदला कि सबको हैप्पी दिवाली बोलने लगे। इस अवसर पर अब ज़माना बदल गया और अच्छा भी लगता है, पहले से जनरेशन सब जगह मिनी बॉल, अब पहले था कि हम लोग केवल दीपक ही जलाते थे, अब नया नया मोमबत्ती दीपक और मिनी बॉल जलने लगा आपके जनरेशन में। पहले के हम लोग को तो माटी के घर था, खपड़ा के घर था, उस समय तो हम लोग को वही अच्छा लगता था, अब के ज़माने में तो अब ई भी देखने के बहुत आगे के सिस्टम से बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि पहले के ज़माने में जो घर की जो सजावट हुआ करती थी दिवाली के समय में वो सब लोग मिलकर करते थे या घर पे ही कंदल वगैरह बनाते थे, तो अभी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है? यहाँ अभी पहले हम लोग को मट्टी घर, जैसे कि हम लोग मट्टी से लीप के इतना सुंदर घर हम लोग बनाते थे ना कि देखने में मट्टी का घर एक पक्का का घर से भी सुंदर लगता था और उस पर एक से एक चिड़िया पक्षी हम लोग बना देते थे मट्टी के घर के दीवार के आगे, देखने में सुंदर लगता था। अभी तो मिलकर सब एक जगह इकट्ठा हो के आदमी अच्छा से ही पूजा कर लेता है दीपावली के अवसर पर, गणेश जी का लक्ष्मी जी का पूजा करके अपना मर मिठाई लाके जो अगरबत्ती मोमबत्ती सब कुछ जलाता है आदमी एक दो दिन के दीपावली, पटाखा बच्चा लोग के लिए पटाखा भी सब कोई खरीदता है, फोड़ता है, छुरछुरी छोड़ता है, बहुत कुछ। आपके विचार में दिवाली को सही तरीके से मनाने की जो विधि है वो क्या है?
दिवाली एक मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है। दिवाली पे खुशियों का त्यौहार मतलब है दिवाली। उस दिन भगवान लक्ष्मी जी और गणेश जी की हम लोग पूजा करके बहुत अच्छे अच्छे मिठाई बनाते हैं, सब लोग मिलके खाते हैं पीते हैं मतलब, और फटाके वगैरह भी उस दिन सब छोड़ते हैं। तो बस वही दिवाली खुशियों का त्यौहार है, घर को सजाते हैं। जो जनरेशन है वो किस तरह से दिवाली मनाना प्रेफर करती है? हमारी जनरेशन में होता ऐसा है कि लोग फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड्स को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो दिवाली है वो बाहर पार्टीज मना के मनाते हैं, बाहर होटल्स में जाके खाते हैं, ना कि घर में जो नाश्ता बना हुआ होता है वो खाते हैं। और वो आपस में ही सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जो कि फैमिलीज के साथ करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और वही है कि दिवाली में ये लोग नाइट आउट पार्टीज भी करते हैं कि बाहर ही साथ में ही पटाखे फोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसकी वजह से मतलब वो नहीं करना चाहिए, हमें फैमिली के साथ ही मनाना चाहिए दिवाली। दिवाली का पर्व केवल रोशनी का नहीं बल्कि एकता, प्रेम और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। यदि हम इसे सही तरीके से मनाएं तो ना केवल अपने परिवार से जुड़ सकते हैं बल्कि अपनी संस्कृति को भी जीवित रख सकते हैं। तो आइए इस दिवाली फिर से एक साथ मिलकर दिवाली मनाएं, अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाएं और घर को अपने प्यार से सजाएं।